Deputy Chairman of the Rajya Sabha, sir, is with us on the phone line. Harivansh ji, what do you have to say? Aaj agar hum Sushma Swaraj ji ko yaad karte hai, especially the kind of role that she played in the Lok Sabha as the leader of opposition, chahte hai ki unko sunte rahe, chahte hai ki unki jo har ek baat wo hoti thi, wo itna connect kar paate the logo ke saath. We just want to hear those speeches again and again. हरिवंश जी, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हरिवंश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी सर, आई वांट यू टू इलुसिडेट ऑन द फैक्ट दैट व्हेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट सुषमा स्वराज जी, शी वाज अ लॉ लीडर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड यू रियली वांटेड टू लिसन टू ऑल द स्पीचेस दैट शी इज मेड सो फार, बिकॉज द काइंड ऑफ कनेक्ट दैट शी मेड नॉट ओनली विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ऑल्सो द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट शी हैड अमंगस्ट द पीपल सर. सुषमा जी का अचानक जाना पूरे देश की राजनीति के लिए स्तब्ध करने वाली घटना. वह सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में या बाद में मंत्री के रूप में ही अत्यंत कुशल वक्ता, काम करने वाली और बहुत श्रेष्ठ ढंग से संसदीय आचरण और मर्यादा का पालन करने वाली ही नहीं थी, बल्कि मैं तो उन्हें याद करता हूँ जब हम सब विद्यार्थी थे और वह जॉर्ज जब इमरजेंसी में बंधे थे और उनके चुनाव में बहुत अपने युवा उम्र में उनके प्रचार में मुजफ्फरपुर आई थी. जो उनके जोशीले भाषण होते थे उनको सुनने के लिए किस तरह लोग उमड़ पड़ते थे. वह किस तरह से चिकमंगलूर जाकर के चुनाव लड़ी थी. इसके बाद लगातार देश की राजनीति में उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी, वह छाप सिर्फ अपने श्रेष्ठ वक्तृत्व के कारण, बहुत सुंदर बोलने के कारण ही नहीं थी, बल्कि उनका आचरण, उनकी सादगी, उनकी मर्यादा बेमिसाल थी. संसदीय आचरण का उत्कृष्ट ढंग से पालन करने वाली एक मंत्री के रूप में मैंने उनके जितने बयान सुने या पार्लियामेंट में एक विपक्ष के नेता के रूप में, कभी भी उन्होंने कागजों का हवाला नहीं दिखा. उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, भाषा पर इतनी गहरी पकड़ थी और समस्याओं की इतनी गहरी समझ थी कि उतना सुंदर वक्ता, उतना बेहतर तरीके से काम करने वाला असाधारण राजनीति हमारे बीच से अचानक चले जाना हम सबके लिए एक बहुत स्तब्ध वाली घटना है. उनकी कमी भारतीय राजनीति में हमेशा अपनी एक रिक्त स्थान छोड़ेगी, क्योंकि वह सिर्फ एक बड़ी राजनेता ही नहीं थी, वह प्रेरित करने वाले लोगों में से थी. उनके ट्विटर पर करोड़ों फॉलोअर्स थे. उनकी हर बात, उनकी उनकी प्रतिक्रिया, उनके सधे हुए बयान, वो अद्भुत थे. और न सिर्फ हमारे देश की युवा पीढ़ी बल्कि राजनीति में भी जो लोग हैं उनके लिए प्रेरित करते थे कि किस तरह से शालीनता से, मर्यादा से आचरण किया जा सकता है. उन्होंने मंत्री पद छोड़ा और इतने कम समय में घर खाली किया. ये वो लोग थे जो जेपी आंदोलन के दौरान वैल्यूज के साथ पॉलिटिक्स में आए थे और आजीवन वैल्यूज के साथ ये. इसलिए ऐसे लोगों का कम होना भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही दुखद घटना है और एक अपूरणीय क्षति है. बिल्कुल, बहुत कम ऐसे लीडर्स दिखते हैं हरिवंश जी जो वैल्यूज के साथ पॉलिटिक्स में रहते हैं और अपना करियर कंडक्ट करते हैं, और इसीलिए उनकी वो रिस्पेक्ट रही है थ्रू आउट. Not just the time that she was living, but even that she is gone, she is remembered with so much fondness. Gulam Nabi Azad ne bhi kal jab kaha ki chahe political differences jo bhi rahe hon, but personally she was like a sister to him. To is tarah ke jo responses, jo condolences aa rahe hain, it is just a huge loss, not just for the BJP, but for the entire country for having lost a leader like her. इसी तौर पे सुषमा जी जिस तरह की कुशल राजनेता थी, उनका संबंध सारे दल के लोगों से, उनकी प्रतिष्ठा हर दल में या उनके प्रति एक आदर का भाव हर दल में था. राजनीति में वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, पर सुषमा जी का एक प्रश्न मैं आपको बताऊं. जब वह बहुत कम उम्र में
हरियाणा में मंत्री बनी थी 25 वर्ष की उम्र में, देवीलाल जी वहां पर मुख्यमंत्री होते थे। एक बार कुछ ही राजनीतिक के मतभेद के कारण उन्होंने तय किया और किसी एक चैम्बर की सभा में घोषणा कर दी कि वो सुषमा जी को हटाने जा रहे हैं। सिर्फ चंद्रशेखर जी उस वक्त जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। जी हरिवंश जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी, द वे यू रिमेंबर सुषमा स्वराज एंड देयर आर टॉप लीडर्स एंड रिएक्शंस पोरिंग इन, लेट्स जस्ट क्रॉस लाइव टू ऑल द रिएक्शंस वी आर पिकिंग अप।